गाइस आपको प्राचीन मिस्र की मम्मी के बारे में तो पता ही होगा। मम्मी यानी मृत व्यक्ति के शरीर को खास प्रक्रिया द्वारा संरक्षित करने का एक तरीका है, जिसे प्राचीन मिस्र के द्वारा विकसित किया गया था। पुर्तगाल में लिस्बन शहर के विश्वविद्यालय में भी डियोगो अल्वेस नाम के एक सीरियल किलर का सिर 1841 से आज तक संरक्षित किया गया है। दरअसल डियोगो अल्वेस एक नौजवान था जो काम की तलाश में लिस्बन आया था, लेकिन पुर्तगाल का सबसे खूनकार सीरियल किलर बन गया। तो आइए जानते हैं डियोगो अल्वेस की पूरी कहानी। गाइस डियोगो अल्वेस पुर्तगाल का एक बहुत प्रसिद्ध शख्स है, लेकिन किसी अच्छे कारणों से नहीं बल्कि अपने भयानक आपराधिक कारनामों की वजह से। डियोगो अल्वेस के अपराधों में 70 से अधिक लोगों की हत्या और डकैती शामिल है। गाइस डियोगो अल्वेस का जन्म 1810 में गलीजा के एक छोटे शहर में हुआ था। वो बहुत कम उम्र में काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आया था। कहते हैं डियोगो ने काफी समय तक काम की तलाश की, लेकिन कम उम्र के कारण काम पाने में नाकामयाब रहा। इसके चलते उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और बन गया एक सीरियल किलर। गाइस पुर्तगाल में एक्वाडोटो डास ओगुआस लिवरेस नाम की एक प्रसिद्ध नहर है। ये वो जगह है जहां डियोगो अल्वेस ने 1836 में अपने अधिकांश अपराधों को अंजाम दिया था, इसलिए उसे एक्वाडोटो डास ओगुआस लिवरेस के हत्यारे के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार डाला। वो पुर्तगाल में मृत्युदंड की सजा पाने वाला अंतिम व्यक्ति होने के साथ साथ ही पुर्तगाल का सबसे पहला सीरियल किलर होने के लिए भी प्रसिद्ध है। डियोगो अल्वेस लोगों को लूटकर उनकी आंखों में पट्टी बांध देता था और फिर उन्हें नहर से बने पुल पर ले जाता था और वहां से नीचे फेंक देता था। इसी तरह एक ही स्थान से उसने कई लोगों को मार डाला। दरअसल 1820 की ऐतिहासिक लिबरल क्रांति को कुछ ही समय बीता था, जिसके बाद पुर्तगाल के लोगों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। देश राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश में गरीब किसान और निम्न सामाजिक वर्गों को भूखे और वित्त कठिनाई से निपटना पड़ रहा था। इसलिए पुलिस और अधिकारियों ने सोचा कि लोग आर्थिक तंगी के कारण पुल से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस को कभी इस घातपात का शक नहीं हुआ। ये माना जाता है कि डियोगो अल्वेस ने साल 1837 के वर्ष तक लगभग 70 लोगों को क्रूरता से मार डाला था। जब नदी से कुछ ऐसे सब बरामद होने लगे जिनके शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे, तब पुलिस और लोगों ने संदेह करना शुरू किया कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, ये किसी बड़े घातपात के रंजिश का इशारा था। लोगों में डर का माहौल बन गया और ये निर्णय लिया गया कि नहर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये वास्तव में कई दशकों तक बंद रहा। गाइस पुलिस के हरकत में आते ही डियोगो ने लूटपाट बंद कर दी और 3 साल तक गुमनामी में चला गया। नहर के बंद होने के 3 साल बाद उसने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। डियोगो ने लोगों को लूटने और मारने के लिए नया स्थान ढूंढना शुरू कर दिया। डियोगो चालाक था और वो समझ गया था कि वो अकेला किसी बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा, इसलिए डियोगो ने एक अपना ग्रुप बनाया और लोगों के घरों पर डकैती करता था, जहां भी परिवारों को लूटता और मार देता था। यही कारण है कि वो लिस्बन शहर के सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। डियोगो ने अपने ग्यूरो के लिए काफी मात्रा में हथियार भी जुटा लिए थे, जिससे कि वो पुलिस का भी सामना कर सके। करीब 1 साल तक डियोगो और उसके ग्यूरो ने अपने आतंक से दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा। वो कभी भी किसी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते थे। लिस्बन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों को क्रूरता से मारने में मजा आता था। इधर पुलिस को डियोगो के गिरोह के बारे में पता चल गया था और पुलिस सतर्क हो गई थी। पुलिस ने गिरोह का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी, लेकिन डियोगो अपने गिरोह के साथ रात में घटना को अंजाम देता और दिन में अक्सर जंगल में छिपा रहता था, इसलिए पुलिस को आसानी से उसके ठिकाने का अता पता नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से पुलिस डियोगो और उसके गिरोह तक नहीं पहुँच पा रही थी। इसी दौरान एक दिन डियोगो ने अपने ग्यूरो के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में दावा बोला, जिसमें लूटपाट के बाद उसने डॉक्टर का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस को शक हो गया कि डियोगो आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। आखिरकार 1940 में कुछ दिनों के बाद अंत में पकड़ा गया और फिर 19 फरवरी 1941 को उसे 70 से अधिक व्यक्तियों की हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए मृत्युदंड देने का फैसला किया गया, जो पुर्तगाल की आज तक की अंतिम फांसी की सजा थी। इसी दौरान पुर्तगाल में फेंडोलॉजी अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय था। फेंडोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को निर्धारित करने के लिए मस्तिष्क कोशिकाओं की जांच और अवलोकन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है।
इसी वजह से लिस्बन के कई वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने कोर्ट में डियोगो का सिर अध्ययन के लिए देने की मांग की। फांसी के बाद डियोगो के शरीर से सिर को अलग कर दिया और सिर को अच्छे से जतन कर कई वर्षों तक अध्ययन किया गया। इसका उद्देश्य उन कारणों को समझना था जिनसे इतने लोगों को मारने के लिए प्रेरित किया। अध्ययन के बाद भी डियोगो का सिर हमेशा के लिए जतन कर दिया गया जो आज तक लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। गाइस, आपको इस सीरियल किलर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।